थोड़ा दुख होता है कि 13 महीने सड़क पे बैठ के जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी, आज फिर से उसी सड़क पे आप बैठे हो अपने हक के लिए, अपने हर उस खून पसीने की कमाई के लिए जो आप खेतों में करते हैं। सालों साल लग जाते हैं आपको, तब जाके वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, तब जाके उसमें कुछ दाना उगने लायक होता है। अभी जैसे आप लोग यहाँ बैठ पंजाब में बैठे हो, तो एक बात तो मेरे समझ में आ रही है कि शासन प्रशासन कोई किसी का होता नहीं है। सरकारें बदलेंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन अगर हम एक हैं, कोई भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई भी गलत काम कर दे। पंजाब में अलग सरकार है, तो मेरी निवेदन है कि आम आदमी पार्टी की सरकार से, भगवंत मान जी से, अरविंद केजरीवाल जी से, कि हमारे लोगों को ऐसे तंग ना किया जाए। आपको भी पता है कि 13 महीने जब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बाकी जितने भी किसान संगठन थे पूरे देश से, जब दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे, तो जीना दुश्वार हो गया था दिल्ली का। हमारे लोगों को तंग ना करें, जो ये मांगे मांग रहे हैं, उनकी मांगे सड़क पे बैठने से पहले पूरी हो जाएंगी। क्योंकि जब आप शासन में आते हो, जब आप सत्ता में जाने से पहले जब आप वोट मांगते हो, एक ही बात बोलते हो कि हम भी आप लोगों के बीच से आए हैं, हमने भी ये गरीबी देखी है, हम भी ऐसे ही परिवार से आए हैं। जब वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो उस परिवार को भी भूल जाते हैं, उस कुर्सी के उसमें लालच में आके वो अपने दर्द को भी भूल जाते हैं, और ये भूल ही जाते हैं कि वो किस परिवार से और किस जगह से आए हैं। हम एक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी बहन बेटियों के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए। और मैं आप लोगों के यहाँ से माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, पंजाब के जितने भी नौजवान हैं, इतना वेट ना करो कि हमारे तक आ जाए। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो उनके साथ में अकंधा सकंधा मिला के आप खड़े रहना चाहिए। और ये सिर्फ किसान को उनकी लड़ाई नहीं है, ये हर उस भारतीय की लड़ाई है जो खाना खाता है, जो पेट में एक भी दाना डालता है ना, ये हर उसकी लड़ाई है। क्योंकि अगर इन्होंने अनाज उगाना बंद कर दिया ना, तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। अच्छा नहीं है, लोग भी सफर कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ पे अपना घर बार बैठ के छोड़ के बैठे हुए हैं। क्या हर चीज के लिए मतलब रोड पे बैठेंगे तभी सुनी जाएगी क्या? तो ये तो देश के संविधान में बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर सरकारें बनाई गई हैं तो लोगों के लिए बनाई गई थी, ना कि लोगों को दुखी करने के लिए। तो दुखी करने से पहले ही चीजें मान लेनी चाहिए, इतना दुखी नहीं किया जाना चाहिए। अगर बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा होती, इनकी आत्मा ने पता नहीं क्या बद्दुआएं दे दी, तो पता नहीं कहाँ तक का सिस्टम, कहाँ पे क्या लगेगी वापस जाके। और एक स्टेटमेंट हमेशा दिमाग में आती है जब भी भूषण की बात की जाएगी, तब एक स्टेटमेंट आएगी, 15 रुपए का मेडल, 15 रुपए का मेडल जो है वो किसानों को भी उसी तराजू में तोलते हैं। मैं एक बात बताती हूं आपको, आज मैं इधर आई हूं, हमारे बड़े बैठे हैं, ये जो भी मांग रहे हैं हम उनके लिए आए हैं, हमारी लड़ाई चल रही है वो लोग से है। तो मैं चाहूंगी कि इसी जगह पे फोकस किया जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये 4 दिन सेंसर पे बैठे हैं, कोई आसान बात नहीं है। मैं ही आई हूँ जी अभी, और बाकी जो लोग हैं वो अपना अपना दूसरी जगह पे गए हुए हैं, तो मैं आज, मेरे पास टाइम था तो मैं आ गई हूँ। लेकिन हम सब साथ में ही हैं, कोई भी अगर मैं आ गई तो पूरा रेसलिंग कम्युनिटी उठ के आ गया है। जैसे दिल्ली में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पंजाब में किसान यहाँ पर बैठे हैं, यार यार गन्ने वाले मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकारें एक ही है सर, पंजाब में हो चाहे केंद्र सरकार, मतलब वही हो गया कि शासन में बैठने वाली ताकतवर हो गए हैं। शासन पे बैठने वाला कोई भी हो, अगर वो गलत कर रहा है वो गलत है, चाहे सरकार किसी के भी हो, हम किसी एक सरकार को नहीं बोल रहे हैं, कोई भी गलत कर रहा है हम उसके खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं। आपको लगता है किसी सरकार में कोई फर्क है? आम आदमी पार्टी अपना, वो गलती पे बैठने के बाद शायद वो भावनाएं वो भूल जाते हैं, वो आम आदमी का दर्द भूल जाते हैं, वो रोना नहीं चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को कम से कम आगे लेके जाए, जिनकी आत्मा और जिनके भावनाएं जो लोगों के साथ में जुड़ी होती हैं, और जो लोगों की कदर करते हैं। हमारे देश में लोगों की बिल्कुल कदर नहीं की जा रही है, हम देख रहे हैं 2 साल से, मैं भी देख रही हूँ, मैं भी एक खिलाड़ी, मैं देख रही हूँ 2 साल से कि क्या कदर हो रही है देश में। बिल्कुल भी एक आम आदमी की कोई कदर है नहीं एक्चुअल में, कि सभी लोग रोड पे बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की अपील करोगे 15 तारीख क्या उसको? मैं बता रही ना कि वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो हम दिल्ली में लड़ रहे हैं, उधर लड़ रहे हैं। सर जब हम बैठे थे तो सर इतनी दूर से आए थे तो हमें बुरा लग रहा था, आज हमें और भी ज्यादा बुरा लग रहा है कि इनको 4 दिन के लिए अनशन पे बैठना पड़ रहा है। अभी तो पता नहीं कितना दिन बैठना पड़ेगा, और कोई सुन नहीं रहा है। अनशन पे बैठना मतलब कि कोई छोटी बात नहीं होती, अगर कोई बैठा है तो कोई बहुत बड़ा रीजन हो रहा होगा। चार दिन से किसी ने पूछा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछा। अगर आगे भी नहीं पूछा जाता तो खिलाड़ियों की तरफ से और किस तरीके से अपना जो है योगदान इस धरने में दिया जाएगा? देखिए हमारे बड़े हैं, जैसे भी ये चाहेंगे वैसे हम योगदान क्या हमारी एक फैमिली है। देखो मैं इसको योगदान नहीं बोल सकती कि हम कोई योगदान करने आए, हमारी फैमिली।